नमस्कार, मैं डॉक्टर पी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट आज आपके सामने अवेलेबल हूँ। फिर से आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है आर्थराइटिस क्या होता है और आर्थराइटिस के प्रकार क्या होते हैं, जनरल आर्थराइटिस किस किस टाइप के होते हैं और उसका एक जनरल मैनेजमेंट या जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो गतिशील होना ही जीवन है, जीवन गतिशीलता का नाम है। आइए अपनी गतिशीलता बनाए रखने के लिए जोड़ों हड्डियों मांसपेशियों को स्वस्थ रखना सीखें। वी आर स्पेशलिस्ट फॉर आर्थराइटिस, गठियावाद, संधि शोथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, सिकलिंग, यूरिक एसिड से रिलेटेड गाउट या मांसपेशियों, लिगामेंट की चोट। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो क्या है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, इसका हम कैसे उपचार करें, ये हम समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी इस समय बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमको बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इवॉल्वमेंट पता चल रहा है कि क्या क्या बीमारियां होती है, उसमें से आर्थराइटिस भी एक होती है। जब किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो वो समझ नहीं पाता है सिंपल जोड़ों का दर्द है या यह आर्थराइटिस है या गठियावाद है, और यह जानकारी पूर्ण न होने के कारण होता है। यह संधिवात या आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं जोड़ों में दर्द, यह एक लैटिन जर्मनी में इस प्रकार जर्मन और इंग्लिश से ये डेरिवेटिव डेराइव हुआ है और कई प्रकार के जोड़ों में अकड़न, दर्द या सूजन आती है तो इस प्रकार से गांठे बन जाती है और इवन कांटे चुभने जैसी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, इसीलिए इसे गठियावाद कहा जाता है। ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया गया था कि आर्थराइटिस बहुत सारे रूप में आपके सामने में एक समय के बाद में आने वाला है। यदि हम इसकी जनसांख्यिकी देखें तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को यह आर्थराइटिस बढ़ रही है और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह आर्थराइटिस सुनाई दे सकता है या दिखाई दे रहा है या कैलकुलेशन में है हमारे पास में। पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में ज्यादा मिलता है और इसका इलाज ना कराने के कारण उसमें अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सभी का खतरा बढ़ जाता है। तो आर्थराइटिस को समझ स्थिति को समझने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आपको जानकारी अधिक से अधिक हो, जिन्हें भी यह बीमारी हो रही है वो अपना बेहतर इलाज तब करा सकते हैं। तो आपको आवश्यक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बेसिक लेक्चर्स और सारी चीजें जरूरी है। कैलकुलेशन के हिसाब से आर्थराइटिस में शरीर में जो भी जोड़ है, घुटना, कूल्हा या बड़े जोड़ है, छोटे जोड़ है, स्पाइन में होने वाले जोड़, सारे जोड़ों में यह बिल्कुल संभव है। आर्थराइटिस जिसे आम भाषा में गठिया के नाम से जानते हैं, इसका तात्पर्य ऐसा है कि जोड़ों में दर्द के साथ सूजन होता है। यह व्यक्ति के लिए किसी भी स्थिति में बहुत तकलीफ देह होती है और उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका इलाज रहते यदि समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो फिर आपको इसमें बहुत समस्या नहीं आती, आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉजेस यदि हम देखें क्यों होता है, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में चोट लगना या किसी प्रकार की ऐसी समस्या होती है उसमें उनकी संभावना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी को घुटने में या जोड़ों में चोट लगी है तो समय के साथ में, उम्र के साथ में उसको नजरअंदाज यदि कर दिया गया है तो ना करते हुए उसे तुरंत जांच कराना चाहिए, क्योंकि यदि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो आपके आर्थराइटिस की संभावना चोट के कारण वैसे भी बढ़ती है और यदि आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते हैं तो आर्थराइटिस डेफिनेटली बहुत गंभीर स्वरूप लेकर आगे प्रकट होता है। जेनेटिकली कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्यों में फैलती है, इसमें आर्थराइटिस भी शामिल है, उसमें हो सकती है जो कि परिवार में अन्य किसी व्यक्ति से पीड़ित रहता है। नॉर्मली यह चीज एक दो या तीन पीढ़ी तक की यह समस्या आपको ट्रांसफर हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम का दोषपूर्ण होना, डेफिनेटली इम्यूनोलॉजिकल जो आर्थराइटिस होते हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे मेजर होता है, यह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विपरीत तरीके से काम करने के कारण यह होता है।
आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। यदि हम सिंपल देखें कि कितने प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, तो उसमें 100 से भी अधिक प्रकार के होते हैं। इसमें जब भी गठिया की बीमारी होती है तो इस बात को समझ में नहीं आता कि ये कौन से प्रकार का आर्थराइटिस है। खासकर ये देखिएगा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में आर्थराइटिस और गठिया वात करके सेम लाइन में सभी प्रकार के आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जिसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, एंकलोजिंग आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ऐसे बहुत प्रकार के आर्थराइटिस हैं जिनको हम नाम से भी पूरा नहीं जानते हैं, और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दो मेन प्रकार के होते हैं जिनको हम सामान्यतः मेजर रूप में अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। गठियावात या ऑस्टियोआर्थराइटिस यह मेजर प्रकार का आर्थराइटिस है, जिसके कारण व्यक्ति के कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाते हैं, यह विघटित होने लगते हैं और इसकी वजह से चलने फिरने में परेशानी होने लगती है, वेट बेरिंग में दर्द होने लगता है। दूसरा प्रकार होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें लगभग यह जल्दी अर्ली एज में चालू होता है, और यह रूमेटॉइड जो है इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है उसके कारण होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के इफेक्टिव होने के कारण होता है, और इसमें दर्द के साथ साथ सूजन काफी होती है, और इसमें डेफिनेटली दवाइयों का सहारा पेशेंट को ज्यादा लेना पड़ता है। इसके कारण बिल्कुल ढंग से ज्ञात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंफ्लामेशन जो है वो पूरा का पूरा एक जेनेटिकली डिटरमाइंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, और यह रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं जो होती है वो गलत तरीके से काम करके जोड़ के अंदर भी जितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको और साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी बहुत सारी सूजन या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। सो आर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जोड़ों में दर्द होना, या फिर सॉफ्टनेस चलते समय, उठते बैठते समय तकलीफ होना, हाथ के जोड़ों में टाइप करते समय तकलीफ होना, किसी वस्तु को पकड़ते समय दर्द होना, खासकर फीमेल्स को जैसे सब्जियां काटते समय हो, या ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें हिलने डुलने की स्थिति होती है जिसके कारण से तकलीफ बढ़ जाती है और वह काफी स्थिति बिगड़ जाती है। स्वेलिंग भी होती है जोड़ों में, सूजन, जिसके साथ साथ जकड़न भी होती है, और यह आसपास गर्म भी दिखाई देता है। विशेषकर सुबह सुबह अकड़न होती है, जोड़ों में एक सॉफ्टनेस आ जाती है, लचीलेपन में कमी हो जाती है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है, ज्यादा हिला डुला कर काम नहीं कर पाते हैं, जोड़ों की विकृति होने लगती है, आसपास के जोड़ों के आसपास गर्म गर्म सा फील होता है, वहां पे रेडनेस होती है, गर्माहट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जोड़ों का उपयोग सीमित हो जाता है, कई कई केसेस में तो वेट लॉस भी होता है, और कंटिन्यूसली थकान भी रहती है, और एक खास प्रकार से लो ग्रेड फीवर भी होता है। और ये सारी चीजें होने के साथ साथ कई बार जोड़ों में आवाज भी आने लगती है, जिसको पेशेंट कहता है कि इसमें टक 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 या क्रेपिटेशन शुरू हो रहे हैं। सो आर्थराइटिस के लक्षण भी कुछ इसी तरह के होते हैं जो शुरुआती संकेत दे सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं, 5 लक्षण, तो उसे आप डॉक्टर से संपर्क करके कन्फर्म करें कि आर्थराइटिस तो नहीं है। इसमें से है जोड़ों में दर्द होना, अकड़न होना, सूजन होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, और आसपास की त्वचा का लाल पड़ना। यदि इसमें से 5 में से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसे लाइटली ना लें, अपने आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट से मिलकर कंफर्म कर लें कि भई ये किसी खास प्रकार का आर्थराइटिस तो नहीं है जिसे हमें फेस करना पड़ रहा है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोकल कंडीशन को भी ठीक करने के लिए लोकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी पेशेंट के लिए कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट आवश्यक है, पौष्टिक भोजन आवश्यक है, धूप का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, हल्की मालिश का उपयोग किया जा सकता है, और कुछ कुछ मात्रा में एक्सरसाइज, जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत खास फायदा होता है। आमतौर पर आर्थराइटिस को सारे लोग एक लाइलाज बीमारी समझते हैं, और इसी कारण कई लोग अपना ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं कराते हैं। लेकिन यदि उन्हें पता हो कि आर्थराइटिस भी अन्य बीमारी की तरह है और इसका इलाज संभव है और इसे बहुत आसानी से रोका जा सकता है और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो यह जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। सो यदि हम केवल आर्थराइटिस की बीमारी को प्रॉपर मैनेज करें, इफेक्टिव ट्रीटमेंट करें, तो आपका लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकता है।
इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, कई बार एक्सरे की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, फिर डॉक्टर के परामर्श के बाद रेगुलर दवाइयां चलनी होती जिसे आपको लेना चाहिए, अपने वजन पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक भोजन लें, बैलेंस डाइट लें, डॉक्टर के निर्देशों का कंटिन्यूस पालन करते हुए आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो सब आपको अपनाना चाहिए, जैसे समुचित विश्राम करें, अपने कार्यों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करें, दौड़ भाग करते हुए टेंशन में काम को ना करें और तनाव से मुक्त रहें। दवाइयों के उपयोग में आप सप्लीमेंट के रूप में योगा या फिर अन्य वैकल्पिक किसी प्रकार के ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें उसको आपको फायदा मिल रहा हो। सो द मैसेज इज लाइफ डजंट स्टॉप जस्ट बिकॉज यू हैव आर्थराइटिस, लाइफ इज मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज लाइफ, ये हमारा मोटो है, एंड यू कैन हैव वेरी कंफर्टेबल लाइफ। गतिशील होना ही जीवन है, जीवन गतिशीलता का नाम है। अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए अपने जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, इसके लिए आपकी कोशिश बहुत जरूरी।